Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. फ्रेंड्स, आपके पास आईकू का Z7S है और इस फोन की आप लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप लॉक करते हैं स्क्रीन को, ऑन करके दोबारा से देखते हैं तो हर बार में एक नया वॉलपेपर आपको मिलता है। आप इनको शो नहीं करना चाहते, आप इनको डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपकी कैटेगरी से जो वॉलपेपर शो होना चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जल्दी जानते हैं इस वीडियो में आप उनको कैसे सेट कर पाएंगे। आपको उसके लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में चले जाना होगा। या आने के बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो लॉक स्क्रीन सेटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ क्लिक कीजिए, लॉक स्क्रीन पोस्टर पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अब आपको अगर ये बंद करना हो तो यहाँ क्लिक करके आप इनको डायरेक्टली बंद कर सकते हो। अगर चाहे तो अपनी कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन टाइप पर क्लिक करना होगा। आप किस कैटेगरी को स्क्रीन पर शो करना चाहते हो उसको आप यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लीजिए और बाकी को सभी को आपको अनसेलेक्ट कर देना है। तो जिस हिसाब की आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसी टाइप की आपकी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे। और एक चीज के बारे में बता दूं, यहाँ ऑटो अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डेटा को ऑन कर लेना है। अब जब आपका नेटवर्क कनेक्शन ऑन होगा वैसे ऑटोमेटिकली सभी वॉलपेपर आपके अपडेट हो जाएंगे और नए नए अपडेट वॉलपेपर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, इस फोन की आप लॉक स्क्रीन सेटिंग को कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज करा सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।